आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन ने बोला अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ H2 एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 विद ZN का दे रखा है हमें एटॉमिक मास 65। ठीक है, तो इनमें से पूछ रखा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखनी है, हमें रिएक्शन देखनी है जिंक कैसे हमारा रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो ZN जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये एक तो हमारा ZnSO4 बना देता है और दूसरा हमारा बनता है H2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम स्टोइकोमेट्री, हमने पहले रिएक्शन कर ली बैलेंस, तो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से क्या देखते हैं, 1 1, तो ये सारे 1 पे ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ ZN रिएक्ट टू गिव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है H2 के बारे में, क्या दे रखा है हमें, दे रखा है 224 ml ऑफ H2। तो अब इससे अब नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं H2 के। तो H2 के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वॉल्यूम एट STP। तो अगर वॉल्यूम हम ml में रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ml में दे रखा है, तो ये कितना है 224 00। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल हमारे कितने आ गए, 224 00, तो ये आ गए 1/100 मोल आ गए हमारे इसके। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे हमारे, ये बराबर हो जाएंगे ZN के। तो ZN के केस में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो ZN का एटॉमिक मास हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 65। और हमसे मास पूछा है, तो ठीक है, मास हमसे पूछा है। एटॉमिक मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल में। ये किसमें दे रखा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1/100 बराबर, क्योंकि 1 मोल इसका रिएक्ट ZN का रिएक्ट करके दे रहा है, तो अगर उसके जितने मोल है उतने ही मोल ZN के भी होंगे। तो यहाँ से हम इजीली मास निकाल सकते हैं। तो मास कितना आ जाएगा हमारा, 0.65 ग्राम, क्योंकि ये तो मोल में है, जो मल्टीप्लाई होगा तो मोल से मोल कट जाएगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा हमारा 0.65 ग्राम। तो 0.65 ग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 0.65 दे रखा है थर्ड ऑप्शन में। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट होगा, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।